तलगांव घाट के ऊपर में हूँ, तो यहाँ पर एक स्थानीय ढाबा है, तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी खाना बहुत सुंदर खिलाते हैं, इन लोगों का खाना मुझे अच्छा लगता है जी, साफ सुथरा एकदम शुद्ध खाना खिलाते है। ये कौन खाना है भाई, मसल मसल कर सब मिला दीजिएगा, रोटी है इसमें घी डालेंगे। चारों तरफ से गाड़ी घुसा हुआ है, ऐसे में जाम लगता है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक भाई बच गए, थोड़ा सा बच गए, नहीं तो अभी ना गाड़ी के नीचे चलाते है। देखिए सामने गाड़ी क्यों छोड़े, गाड़ी हमारा सेठ मेरा पैसा अटका दिया, इसके वजह से हम गाड़ी छोड़ करके मजबूरन हमको अभी घर जाना पड़ा। और अभी इसे कहते हैं बाबू ड्राइवरी। नमस्ते भाई लोग, कैसे सभी, आप सभी भाइयों को हमारे अनुकूल में आप सभी भाइयों को फिर से स्वागत है। और आपका भाई तलगांव घाट के ऊपर में हूँ, तो यहाँ पर एक स्थानीय ढाबा है, तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ, अभी स्टार्ट कर दिए है और नहा हुआ कर भी आए है। मस्त सुंदर पानी चल रहा था, एकदम ताज़ा पानी। और रात कब का भाई खाना नहीं खाया जी, भूख लगा बहुत कस के, तो आज खाना बनाने का टाइम तो है नहीं, चलते हैं होटल में खाते है। स्थानीय ढाबा है तो खाना बहुत सुंदर खिलाते हैं, इन लोगों का खाना मुझे अच्छा लगता है जी, साफ सुथरा एकदम शुद्ध खाना खिलाते हैं। तो पैसा इन लोगों का थोड़ा महंगा होटल में है, कोई बात नहीं, बाकी खाना अच्छा खिलाते हैं। चलिए खाना खाते हैं फिर यहाँ से। कड़ी पकौड़ा और बाजरे की रोटी। देखिए सामने में सैलून है, अब देखिए कटिंग हो रहा है केस, अब देखिए चारों तरफ देखिए पेड़ लगा हुआ है, बैठने के लिए छांव है, बहुत अच्छा लगता है इस जगह में ना, गर्मी में बहुत शांति मिलता है। रोटी खाने में मस्त लग रहा है, रोटी का दाम है 20 रुपया। ये कौन खाना है भाई, मसल मसल कर सब मिला दीजिएगा। बाजरा का रोटी है, इसमें घी डालेंगे, घी डाल के इसपे एकदम मिक्स करेंगे, फिर ये डालेंगे, सब खाइए, मिला के खाइएगा, मिला के एकदम सब आदमी खाइएगा। अब लोग हैवी खाना है, हमारा एकदम देसी मारवाड़ी खाना, हम लोग क्या मारवाड़ के हैं। अच्छा राजस्थान के ना, राजस्थान। पांच आदमी बैठ गए, हम शान के खा रहे रोटी, अच्छा है और खाना बहुत अच्छा खिलाया जी, थोड़ा पैसा लिए बेसी, बाकी खाना अच्छा था, तो खाना अच्छा रहता है ना तो अखड़ता नहीं है, और खाना देगा भगलोल लेगा पैसा लेगा हम दाब के तो ही खराब लगता है, तो स्थानीय होटल में ना खाना अच्छा खिलाते हैं। और देखिए पांच आदमी, पांच भाई लोग बैठ गए, सब एक बार मिलाकर घी डालकर दाल उल डाल के खाएंगे एकदम मसल मसल कर, इन लोग का खाना मुझे अच्छा लगता है जी। खाना खाए अच्छा लगा, खाना खा के मजा आ गया, और चलते हैं दबा के। बाजरे की रोटी 20 रुपये एक रोटी लिए है, चलिए सही है। अरे लगो लगो, देखते हैं गियर कैसे कैसे लग रहा है, रौदा बहुत है जी, चश्मा पहनते हैं, बहुत रौदा है, बहुत धूप लग रहा है। तो रात को जिस घाट में मैं आया हूँ, मुझे मेघालय के याद आ गया, मेघालय का रे देखिए गाय अभी मर जाता है, वो मारुति वाला है ना, एकदम स्पीड में आ रहा है, देख रहा है गाय है इधर उधर भागे, स्पीड में आ रहा है, क्या मुझे कहती है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. आ गया है नागपुर।
नागपुर, तो अभी नागपुर में पहले चलते सिटी हो गए जी। अभी टाइम बहुत है, अभी टाइम 1:30 है, 4 बजे नोटिस लग जाता है, फिर 4 बजे तो निकल जाएंगे, प्याज बात कर लेंगे, तरबूज खिला देंगे। चले चलते हैं, क्योंकि बाईपास वहाँ टूट लेते ना, 700 रुपये का है समझे। आगे नागपुर सिटी में देखिए जाम लगा हुआ जी, आगे में ना ब्रिज का काम चालू है, उसी का लगा हुआ है, थोड़ा जाम है, तो ब्रिज का काम चालू है। अभी देखिए 5 मिनट पहले हम आए थे तो ब्रिज व्रिज नहीं था, अभी 5 मिनट में बताइए ब्रिज बन के रेडी होने वाला है, बताइए। ये होता है काम फास्ट। अरे टोटो, टोटो वाला है ना, जहाँ तक घुस जाता है समझे, तन्नी को तो रहता है एक टोक के। और देखिए सामने में सिंगल है, आगे से मुझे लिफ्ट लेना होगा। हेलो, मैं देख रहा हूँ नागपुर सिटी में शिवाजी महाराज का ना पूरा पोस्टर लगा हुआ है, अखबार है ना उधर में अमरावती में, तो सिटी में रात को पूरा शिवाजी महाराज का फोटो झंडा सब लगा रहे थे, लगता तो आज ही है, मैं मुझे इतना मालूम नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बाइक वाला अंकल जी है, जबरदस्ती देखे, जबरदस्ती गाड़ी में घुस रहा, देखे जबरदस्ती घुस रहा था, बाकी बच गए, थोड़ा सा बच गए, नहीं तो अभी ना गाड़ी के नीचे चलाते। देखिए सामने में, देखिए ड्राइवर साहब से लड़ रहे, देखिए झगड़ा कर रहे, गलती अपना नहीं देखेंगे भाई, एक सेकंड बर्दाश्त कर लो, जाम लगा हुआ है, जबरदस्ती घुस रहे थे, बाकी हल्का से बच गए, गाड़ी के अंदर चला जाते। देखिए भाई आ गया मौदा, गाड़ी में तेल फुल करवा रहे ताकि ठीक वहाँ बहुत सिटी में बहुत जाम। एक कमरा आइए, जाली लगाओ, एक दो लंबा लगा दीजिए बस। तो यहाँ पर गाड़ी का भी टेल फुल करवा के यहाँ से निकलेंगे। देखिए सब गठान गाड़ी है, इस समय रुईया है, समय गठान है, देखिए यहाँ पर ना पानी भर लेते, बिस्लरी पानी क्या भाव, ठंडा भरिएगा। देखिए बहुत बड़ा लगा मशीन लगा हुआ है फिल्टर वाला। हेलो, आपको भाई डीजल ले लिए, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। अब बहुत धूप हो रखा है जी, बहुत गर्मी लग रहा है और टायर पूरा आग हो गया है। अरे फरवरी के महीना में इतना गर्मी लग रहा है, महाराष्ट्र में ना गर्मी बहुत लगता है गर्मी में। चलो यहाँ से निकलते हैं, चलते एक बार यहाँ से बॉर्डर, चिचोला बॉर्डर के बाद यहाँ से नॉन स्टॉपेज चलते। हेलो, आपका भाई आ गया चिचोला बॉर्डर, नॉन स्टॉप वहाँ नागपुर से निकले हैं, एक कबार यहाँ आकर रुके हैं, तो चलते हैं। आगे में मनीष भैया है, पहले के वो लोग आप देखे होंगे, हम लोग नहीं बनाते मटन पहाड़ के ऊपर में, वो भैया ये ना गाड़ी छोड़ दिए है, वो तो आगे में ठहरा है राजन गाँव के ना बगल में, देखिए लोकेशन डाले है मैप, देखते है अभी यहाँ नेट नहीं है, चले चलते है बॉर्डर में है तो थोड़ा जाम लगा हुआ है, चलते है। भैया बोले हम कलकत्ता जाएंगे, चलिए गाड़ी पे, मेरी गाड़ी तो मैं तो अकेला ही हूँ, चलिए साथ में ले चलते। हेलो, आपका भाई आ गया है राजेंद्र गांव, भैया जी आ गए मनीष भैया,
काजी। हाँ भैया जी, बोलिए। क्या बोले, अभी मन निराश है, कुछ नहीं बोलने पाएंगे, सुबह होने दो, उसके बाद चले चलते टूल टेस्ट पे, जाकर वहाँ रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर आप लोग से रूबरू होते हैं। काजी। हाँ जी, बोलिए। अभी मन थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब है, थोड़ा चाय पिए। गाड़ी क्यों छोड़े, गाड़ी हमारा सेठ मेरा पैसा अटका दिया, इसके वजह से हम गाड़ी छोड़ करके मजबूरन हमको अभी घर जाना पड़ा, और अभी हम घर जा रहे हैं। भैया को हम बाई चांस, हम केवल इनका वीडियो देख करके हमको पता था कि भैया आज यहाँ पे पहुँचने वाले, इसलिए हम फोन लगाए, नहीं तो हम ट्रेन पकड़ के घर जा रहे थे। अभी इनने देखिए भैया जी का मालिक ना, भैया जी का मालिक पैसा नहीं दिया है, समझे, कच्चा माल का मंडी लगाए थे, हम अनार लेके आए थे ना, अंगूर भर के आए थे सांगोला से, अंगूर भर के आए थे सांगोला से, अब पैसा नहीं दिया, नहीं नहीं मालिक, चलिए आप लोग से फिर वरू होते ए भैया जी आ गए, बेचारा के ना लंबा समस्या हो गया है, कल के ब्लॉग में आप लोग को शेयर करेंगे, बेचारा के मन उदास है। हाँ उदास तो है भैया। ए भैया जी है, ये भी यूट्यूब चलाते हैं, अपना चैनल का नाम बता दीजिए। एस संतोष ब्लॉग। ये संतोष ब्लॉग वाले हैं, देख लीजिए आप लोग, देख सकते हैं ये है पुलिस वाले, और ये ट्रक वाले को परेशान कर रहे हैं और इनसे पैसा ले रहे हैं जबरदस्ती, देख लीजिए यहाँ पे। हेलो हेलो, आपका भाई आ गया, आ रहा, अभी टाइम बज गया है, 2:10 हो गया है, अभी भैया जी अभी गाड़ी चलाएंगे, दो तीन घंटा का जी। हाँ भैया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कश्मीर से चला रहे, कन्याकुमारी गाड़ी चला जा रहा है। हाँ, डायलॉग मारते हैं। चला लो भैया जी, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका भाई दो घंटा अभी, आपका भाई अभी वीडियो एडिट करेंगे, अभी हमको नींद नहीं आ रहा, देखिए नींद नहीं आ रहा है, चलो करते बोलो के एंड, मिलता हूँ संदेश लोगों में, और भाई को सपोर्ट करते रहिए, भाई को पैसी प्यार बना रखिए, लव यू भाई लोग, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो ये आराम से उठिए 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ना, ज्यादा सो पाया जो सोया सो खोया, तो हम लोग सो करके भी क्या पा रहे।